दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेशन सेकेंड की हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ व्हील, जो कि इसी यूनिट का दूसरा सेशन है। फर्स्ट सेशन मेरा ख़त्म हो चुका है, दूसरा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहिया गाड़ी यानी व्हील कार्ट टॉपिक है। पहिया गाड़ी व्हील कार्ट, व्हील कार्ट एक वाहन है जिसे परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है। दो पहियों का उपयोग करते हुए एक ठेले को एक या एक से अधिक लोगों द्वारा खींचा या धक्का दिया जाता है। हालांकि इतिहास हमें बताता है कि जानवरों को पुरुषों के बजाय गाड़ियां खींचने के लिए उपयोग किया जाता था। सच बात है, जैसे कि बैलगाड़ी या रिक्शा, रिक्शा में जैसे कि घोड़े लगाकर। आगे पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि वे अधिक शक्तिशाली थे। आम तौर पर ड्राफ्ट जानवरों की एक जोड़ी द्वारा एक गाड़ी खींची जाती थी। गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मसौदा जानवरों में घोड़ा या टट्टू, खच्चर, बैलों, पानी की भैंस या गधे, या छोटे जानवरों जैसे कि बकरियां या बड़े कुत्ते भी हो सकते हैं। साहित्य में गाड़ियों का उल्लेख दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के रूप में किया गया है। इस चित्र में देखिए, इस फोटो में देखिए, महाभारत युद्ध के समय इस पहिया गाड़ी यानी घोड़े को लगाकर यूज किया गया था वार में, लड़ाई में, घोड़ा गाड़ी। बात करता हूँ गाड़ी के प्रकार, गाड़ी के कितने प्रकार हो सकते हैं। 3500 ईसा पूर्व में पहिया के आविष्कार के बाद से गाड़ियां निरंतर उपयोग में हैं। जानवरों के नाम पर गाड़ियां रखी जा सकती है जो उन्हें खींचती है, जैसे कि घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी। वर्तमान समय में प्रतियोगिताओं में हॉर्स कार्ट का उपयोग किया जाता है। यानी कि वर्तमान समय में बात करते हैं कि जब प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन जब होता है एक या एक से अधिक लोगों के बीच, तो वही हॉर्स कार्ट यूज किया जाता था। घोड़ा को दौड़ाया जाता है और घोड़ा गाड़ी के साथ दौड़ाया जाता है। जो उसमें सबसे ज़्यादा रन अप करता है वो उसका जीत माना जाता है। तो इस तरह से यूज वर्तमान में करता है। एक कुत्ता गाड़ी, हालांकि आमतौर पर शिकार करने वाले कुत्तों को ले जाने के लिए बनाई गई गाड़ी है। एक खुली गाड़ी है जिसमें दो क्रॉस सीट्स बैक टू बैक है। कुत्तों को बीच में खड़ा किया जा सकता है। रियर फेसिंग सीट और बैक एंड बैलगाड़ी या बैलगाड़ी एक दो पहिया वाहन है जिसमें बैलों ड्राफ्ट मवेशियों द्वारा खींचा जाता है। यह दुनिया के कई हिस्सों में प्राचीन काल के परिवहन का एक साधन है। वे आज भी उन जगहों पर उपयोग किए जाते हैं जहां आधुनिक वाहन बहुत महंगे हैं या बुनियादी ढांचे उनके अनुकूल नहीं है। माल का उपयोग विशेष रूप से माल ले जाने के लिए किया जाता है, जैसे बैलगाड़ी। बैलगाड़ी को एक या दो बैलगाड़ियों द्वारा खींचा जाता है। योग से जुड़ी एक विशेष श्रृंखला द्वारा गाड़ी को एक बैल टीम से जोड़ा जाता है, लेकिन एक रस्सी का उपयोग एक या दो जानवरों के लिए भी किया जा सकता है। चालक और कोई भी यात्री गाड़ी के सामने बैठ सकता है, जबकि लोड को पीछे रखा जाता है। आवश्यक शक्ति, घोड़े की शक्ति को बराबर करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, ये सवाल है। कुछ प्रयोग करने के बाद ये पाया गया कि औसतन 10 एक घोड़े की शक्ति के बराबर 12 पुरुषों की आवश्यकता थी। यही कारण है कि मानव जाति ने गाड़ियां खींचने के लिए घोड़ों का उपयोग करने के बारे में सोचा। इससे घोड़ा गाड़ी का विकास हुआ। वीडियो में हम बात करेंगे सेशन थर्ड की।
वीडियो के लिए रेडी आइए और साथ ही वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि और भी वीडियो इसी तरह से होने वाली है, इससे और भी तगड़ा वीडियो आने वाला है, मशीन के बारे में भी आने वाला है। तो अब इस चैनल पर रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना।